आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। भाई रणजीत बाग ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों जब मैं और भाई रणजीत आपस में बातचीत कर रहे थे कि कौन कौन से विषय हमारे लिए उपयोगी होंगे, तब उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मसीही प्रायोगिक मसीही जीवन के बारे में चर्चा करना, चर्चा से मेरा मतलब मानुषिक लेवल पर मेरी आपकी चर्चा नहीं, लेकिन प्रभु के वचन से यदि मैं आप लोगों के सामने पेश करूं तो सबके लिए उपयोगी होगा। मैंने उनकी ये बात मान ली और इस संदर्भ में पिछले बृहस्पतिवार को हमने क्षमा का अध्ययन किया था। मनुष्य कई बार दावा करता है कि वो उसने क्षमा कर दिया है, लेकिन वो कभी उसको भूलता नहीं है। बिना भूले क्षमा अपने आप में क्षमा नहीं है। दूसरी बात, प्रभु ने हमको जितने बड़े माप से क्षमा दी है उसी के अनुपात में हमें दूसरों को क्षमा प्रदान करनी है, लेकिन कई बार ये बात हम भूल जाते हैं। ये बात हमने पिछले हफ्ते देखी, आज प्रभु ने मदद की तो एक और विषय प्रभु के वचन से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। व्यावहारिक जीवन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तब हमारे व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ी बातें कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी बात, अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने और आपने प्रभु से पाप क्षमा पाई है क्या? जिंदगी में बाकी सारी बातें भूल जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने और आपने प्रभु से पाप की क्षमा पाई है क्या? मेरा अनुमान है कि आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से अधिकतर लोग कह सकेंगे कि यस ब्रदर, मैंने प्रभु यीशु के द्वारा पाप से निश्चित रूप से क्षमा पाई है। पाप क्षमा के बाद जो अगली बात है जिसके बारे में हमें व्यावहारिक जीवन के बारे में हमें श्योर कर लेना चाहिए, वो ये है कि हम ऐसे लोगों की संगति में हैं क्या जिन्होंने पाप से क्षमा पाई है। आप पूछेंगे कि संगति से क्या फर्क पड़ता है, हमने पाप से क्षमा पा ली है और यदि पाप से क्षमा पा ली है तो पर्याप्त नहीं है क्या? जी नहीं, पर्याप्त नहीं है। आप में से जिन्होंने बच्चे पाले हैं वो इस बात को जानते हैं कि बच्चे यदि गलत संगति में पड़ जाते हैं तो इवन उनकी बोली में फर्क आ जाता है। नजरिए में तो फर्क आता है, बोली में भी फर्क आ जाता है। इसलिए जिन्होंने अपने जीवन में पाप से क्षमा पाई है उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि पाप क्षमा के बाद वे ऐसे लोगों के साथ संगति करें जिन्होंने अपने स्वयं के जीवन में पाप क्षमा पाई है, जिससे कि एक परिवार के रूप में वे लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, प्रार्थना, प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु ने हमको जीवन में जो दिया है उसमें से एक हिस्सा प्रभु को देना। आज उसमें से एक विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो विषय है विवाह। आप पूछेंगे कि विवाह के बारे में तो हम कई दिन से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, विवाह के बारे में संभवतया आप कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके इतने दिनों सुनने के बावजूद ये विषय समाप्त नहीं होता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम विवाह के बारे में सुनते हैं। बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं उनको एक एक करके आप क्रॉस करके सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में पहुंचे, वहां पर भी विवाह शब्द आया है। ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। विवाह के बारे में प्रभु के वचन में और भी कई जगह हम पढ़ते हैं। जैसे आगे हम पढ़ते आते हैं तो इज़रा की पुस्तक में, नहमिया की पुस्तक वगैरह में विवाह के बारे में पढ़ते हैं। फिर जब अय्यूब की पुस्तक में आते हैं तो अय्यूब तो विवाह जीवन के बारे में कई बातें बताता है। आज सुबह जब हम जूम के द्वारा चर्च का संदेश में सुन रहा था, उस भाई ने वो चैप्टर खोला जिसमें ये बताता है कि हमारे
विवाहित जीवन में किस तरह से प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद भजन संहिता है, फिर आते हैं हम नीति वचन में। नीति वचन में तो शुरू से ही बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में माँ अपने बेटे को ये उपदेश देती है कि बेटा, विवाहित जीवन प्रभु ने बहुत ही विशेष जीवन बनाया है और इस जीवन का पूरी तरह से ख्याल रखना। अच्छा, नीति वचन को छोड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं, सभोपदेशक, और उसके बाद आता है श्रेष्ठ गीत। तो श्रेष्ठ गीत तो एक ऐसी पुस्तक है जो विवाह के बारे में ही लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद जब हम नए नियम में आते हैं, नया नियम भी विवाह के बारे में बहुत कुछ बोलता है, खासकर रोमियो की पत्री में जब आते हैं, रोमियो की पत्री में विवाह के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और आगे बढ़े पहला कुरिन्थियों, तो पहले कुरिन्थियों का 7वां अध्याय पूरा का पूरा विवाहित जीवन के बारे में डिवोटेड है। इसलिए यदि आपको लगता है कि विवाह तो एक छोटी सी बातें हो गई, शादी और बस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन विवाह को बहुत अधिक महत्व देता है। तो उत्पत्ति से लेकर अब हम पहला कुरिन्थियों तक आ गए। आज मैं आपको उससे एक और पुस्तक आगे ले जाना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 14वें पद में हम क्या पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय का 14वां पद, ये एक ऐसा पद है जो आज यहाँ जितने माँ बाप उपस्थित है, सभी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वे लोग इसको याद करें और उनके बच्चे 15 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले इसको, ये पद अच्छी तरह से याद करवा दें। क्योंकि प्रभु के वचन की जो मूल उपदेश है, ये मूल उपदेश अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है। और व्यावहारिक जीवन से संबंधित तू झूठी साक्षी ना देना, जब हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, तो उसके साथ रोमियो ये दूसरा कुरिन्थियों 6:14 भी उसको सिखाना जरूरी है, जहां हम देखते हैं अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आज प्रभु का संदेश जितने लोग सुन रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग रहते तो शहर में हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि हम में से लगभग सभी लोगों ने अपना जीवन गांव में चालू किया था। और क्योंकि हम में से सभी लोगों ने अपना जीवन गांव में चालू किया था, इसलिए हमने हल जोतते हुए तो देखा है। अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पर ट्रैक्टर नहीं है, हल जोता जाता है। और हल जोतते समय हम जानते हैं कि दो बराबर के जानवर एक साथ जोते जाते हैं। मान लीजिए एक तरफ तो आप बैल को जोत रहे हैं, दूसरी तरफ हाथी जोत दिया, क्या होगा? वो हल आगे नहीं चलेगा, हाथी आगे बढ़ेगा तो बैल पीछे रह जाएगा। और यदि बैल के कंधे पे हल है तो हाथी के पैर तक भी नहीं आ पाएगा। यही है जुआ, जब एक जुए के नीचे आते हैं तो जुआ समान होना चाहिए। ये अपने आप में जिस समय ये प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया था, तब सभी लोग इस बात को जानते थे कि जुआ क्या होता है। और एक जुए के नीचे दो समान प्रकार के जानवर जो हर तरह से लगभग समान है, उनको जोतना जरूरी है। ये उदाहरण प्रभु के वचन में क्यों उपयोग में लाया गया है विवाह के बारे में, कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जोतो? तो पहले हम जुए की जरा चर्चा करते हैं और उसके बाद अविश्वासी की चर्चा करेंगे। मैं जो लोग आज जो सुन रहे हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हैं, उन सबको मैं याद दिला दूं। जनरली हम जुआ शब्द सुनते हैं तो पैसे से जो जुआ खेला जाता है एकदम से वो हमारे मन में आता है, लेकिन प्रभु के वचन में ये जो शब्द जुआ यहाँ यूज किया गया है, ये एक और अर्थ में यूज किया गया है। बैलों के ऊपर जो भारी लकड़ी रखी जाती है, हल
आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी हिंदी में जुआ ही बोलते हैं, और उस अर्थ में प्रभु का वचन इसको यूज करता है। ये पहले ही आप दिला दूं। जब जुए में दो जानवर जोते जाते हैं तो दोनों लगभग एक समान बल लगाकर उसको आगे खींचते हैं, तब हल जमीन को काटता है और तब खेती होती है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो जुए शब्द का उपयोग इसीलिए किया गया है कि प्रभु ने आज से हजारों साल पहले जब मनुष्य की सृष्टि की थी, तब से पुरुष और स्त्री दोनों को विवाहित जीवन को सफल बनाने की समान जिम्मेदारी दी है। अधिकार में वे समान नहीं होते। पुरुष परिवार का नायक है, प्रभु ने ही पुरुष को परिवार का नायक बनाया है, लेकिन पारिवारिक जीवन को सफल बनाने की जिम्मेदारी पुरुष और स्त्री की बराबर जिम्मेदारी है। पुरुष अकेला विवाहित जीवन को सफल नहीं बना सकता है और स्त्री अकेले विवाहित जीवन को सफल नहीं बना सकती। इसलिए यहाँ पर जुए का उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से जुए में दोनों जानवरों को साथ साथ सहयोग करना पड़ता है, उसी तरह से विवाहित जीवन के सफल होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों पति और पत्नी एक साथ अपनी जिम्मेदारी जानकर विवाहित जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। अच्छा, आज जो मुख्य बात है व्यावहारिक जीवन से संबंधित, वो यह है कि अविश्वासी के साथ जुए में ना जो, तो इसका मतलब यह है कि एक मसीही विश्वासी जब विवाह के लिए सोचता है तो सोच जब वो सोच चालू करता है तब से उसे ये बात सोच लेनी चाहिए कि मुझे एक विश्वासी होने के कारण मुझे सिर्फ एक विश्वासी से ही विवाह करना है। ये एक चीज है जिसके बारे में कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, ऐसा क्यों? एक विश्वासी एक बहुत ही समर्पित अविश्वासी से विवाह कर ले तो उसमें क्या हर्ज है? ये प्रश्न कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, खासकर जवान लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। कई बार मसीही भाइयों और बहनों को अपने ही मसीही भाइयों और बहनों से जीवन में कई बार काफी कड़वा अनुभव होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से लगभग सभी को, बल्कि सभी को अपने व्यावहारिक जीवन में अपने मसीही भाई या बहन से हो सकता है कड़वा अनुभव हो। तो उसके कारण हम में से कई लोग कई बार इस तरह का स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं अक्सर सुनता हूं कि गैर मसीही लोग मसीहियों से ज्यादा बेहतर है। एक्चुअली ये एक व्यक्ति एक मसीही को कभी भी अपने जीवन में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि इस संसार में जितने लोग हैं उनमें कोई भी किसी से भी अच्छा नहीं है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि सबने पाप किया है। प्रभु का वचन ये कहता है कि मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा है। प्रभु का वचन ये कहता है कि मनुष्य का मन जो है उसमें सदैव बुराई आती है। ये सिर्फ अविश्वासियों के बारे में नहीं है, ये बात मैं याद दिला दूं। नए नियम की पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, रोमियों से लेकर आगे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब प्रभु का वचन याद दिलाता है कि विश्वासी हो या अविश्वासी, मनुष्य के अंदर पाप स्वभाव होने के कारण विश्वासियों के जीवन में भी बुरा व्यवहार वे लोग कई बार करते हैं। करना नहीं चाहिए, उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वे बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन वो लोग करते हैं और अविश्वासी लोग भी बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए पहली बात तो मैं याद दिला दूं कि ये जो स्टेटमेंट कई बार लोग एक दूसरे के सामने पास करते रहते हैं, मेरे सामने भी कई बार बोलते हैं, अरे विश्वासी लोग तो बुरा ही बुरा करते हैं, अविश्वासी लोग विश्वासियों से ज्यादा अच्छे हैं। कई बार लोग इससे भी एक सीढ़ी आगे जाकर मेरे सामने बोलते हैं कि गैर मसीह लोग मसीहों से ज्यादा अच्छे हैं। ब्रदर, ये प्रस्ताव एक मसीह के मुंह में कभी नहीं आना चाहिए। आप भी एक मसीही हैं, और जब आप ये कहते हैं कि गैर मसीही लोग मसीह से अच्छे हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि प्रभु की संतान होते हुए भी, आप एक मसीही होते हुए भी,
आप उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है और प्रभु से माफी नहीं मांगी है, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि प्रशंसा आपको मसीहियों की करनी चाहिए कि हम प्रभु के बच्चे हैं, इस कारण हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए जो दूसरों के सामने आदर और प्रभु के सामने भी आदर का कारण हो। इसलिए जल्दबाजी में ये स्टेटमेंट या प्रस्ताव ना कभी हम ना दें कि गैर मसीही लोग या अविश्वासी लोग मसीहियों से बेहतर है। जब हम ये प्रस्ताव बोलते हैं तो हम अपने स्वयं को दोष दे रहे हैं और हमारे कहने का मतलब है कि मेरा जीवन भी उतना पवित्र नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, जब हम इस तरह के प्रस्ताव करते हैं तो उसका एक असर भी होता है। आप पूछेंगे कि प्रस्ताव का असर आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, हम जीवन में जो भी प्रस्ताव करते हैं वो हमारे विश्वास से संबंधित होता है। मतलब हम जो अपने मन में मानते हैं वही तो प्रस्तावना के रूप में दूसरों के सामने रखते हैं। तो यदि प्रस्तावना के साथ समान यदि हम दूसरों के सामने ये प्रस्तावना रखें कि अविश्वासी लोग विश्वासियों से बेहतर है, तो कई बार जब जीवन में आपसी संबंध की बात आती है तो एकदम से हमारा मन अविश्वासियों की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, वो लोग शायद हमसे अच्छे हैं, तो इस कारण यदि मुझे विवाह के लिए सोचना है तो क्यों ना मैं एक अविश्वासी के बारे में सोचूं? ये बिल्कुल सोचने का गलत तरीका है। और इस तरह से यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो उसे पहले अपने स्वयं के जीवन को मोड़कर देखना पड़ेगा कि कहीं मेरे ही जीवन में कोई खामी तो नहीं है जिसके कारण मैं एक विश्वासी से ज्यादा अच्छा एक अविश्वासी को पाता हूं। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि एक विश्वासी अपने जीवन में कभी सोचता है कि अविश्वासी लोग विश्वासियों से ज्यादा बेहतर है, तो वो प्रस्ताव या वो प्रस्तावना इस बात को दिखा रहा है कि मैं अपने जीवन में मुझे जो पवित्रता दिखानी चाहिए, मेरे जीवन में प्रभु के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं है और वो समर्पण मेरे जीवन में नहीं है, इस कारण मैं अविश्वासियों को अपने से ज्यादा धर्मी ठहराता हूं। ये अपने आप में गलत बात है, क्योंकि हम रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के अनुसार विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए का मतलब है प्रभु यीशु की धार्मिकता हमको दी गई है, और यदि प्रभु यीशु की धार्मिकता हमको दी गई है तो हमसे हमारे पिता ये उम्मीद करते हैं कि उस धार्मिकता के अनुसार हम अपने जीवन में व्यवहार करेंगे। ठीक है, गलत सोच गलत व्यवहार की तरफ हमको ले जाती है। और 20वीं और 21वीं शताब्दी में एक गलत व्यवहार जो मसीहियों के बीच में इधर उधर देखने को आ रहा है वो ये है कि कई बार मसीही जवान गैर मसीही बहनों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, और मसीही कन्याएं कई बार गैर मसीही युवाओं की तरफ आकर्षित होते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं या आकर्षित क्यों होते हैं? इसका कारण जैसा मैंने पहले बताया था, मेरा और आपका जीवन जिस तरह से प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए, मेरे आपके जीवन में जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं है, और चूंकि मेरे और आपके जीवन में वो समर्पण नहीं है इसलिए हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, और उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं इसलिए उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। विवाहित जीवन क्या है? प्रभु का वचन उसको उसकी तुलना एक जुए से करता है। एक जुए के नीचे दो बैल समान तरीके से आगे बढ़ते हैं। विवाहित जीवन, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि विवाहित जीवन या वैवाहिक जीवन एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप हमेशा बराबर के लोगों में होती है। इसी शहर में जो नुक्कड़ पर बैठकर भीख मांगता है वो यदि कल कोई बिजनेस करना चाहे तो शहर का जो नगर सेठ है या करोड़पति है उससे थोड़ी पार्टनरशिप करेगा, अपने बराबर का जो होगा उसके साथ पार्टनरशिप करेगा। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। इसी तरह से विवाहित जीवन अपने आप में एक पार्टनरशिप है, और चूंकि विवाहित जीवन एक पार्टनरशिप है तो
वो बराबर के लोगों से की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बराबरी कैसी हो? प्रभु का वचन याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण विवाहित जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बराबरी है वो इस बात में है, पति पत्नी दोनों ही विश्वासी हों। क्यों हो? हाँ, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। पहले मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, उसके बाद उसमें से आप जो असल सिद्धांत है उसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक मसीही जवान एक जाके गैर मसीह लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है। शुरू शुरू में तो सब बहुत बढ़िया चलता है, सब मजे में चल रहा है। क्यों? शुरू शुरू के दिन तो वैसे भी लोगों के पैर जमीन पे तो पड़ते नहीं हैं, वो साथ में आसमान में होते हैं। पति पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता है, पत्नी पति को खुश रखने की कोशिश करती है। दो चार दिन के बाद या समय पूर्ण होने पर जब परिवार में दो चार बच्चे आ जाते हैं, तब आती है असली समस्या। पति विश्वासी है तो वो बच्चे को याद करवाना चाहता है, परमेश्वर प्रेम है, यहोवा मेरा चरवाहा है। पत्नी जिसने कभी बाइबल खोल के नहीं देखा वो पूछती, क्या यहोवा वहोवा तुम जो है बच्चे को याद दिलाते रहते हो या याद करवाते रहते हो? बच्चे को जरा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे या बी फॉर बिस्किट तुम जो है उसको याद करवाने की कोशिश करो। यहां से खटपट शुरू होती है। एक अच्छे मसीही परिवार में बचपन से बच्चे को प्रार्थना की आदत डालनी चाहिए। भाई, जिस आदमी की बीबी ने कभी प्रभु यीशु को पहचाना नहीं है, जो प्रार्थना का मतलब नहीं जानती, पति जब बच्चे को प्रार्थना करवा रहा होता है तो वो सर पीट लेती है, बल्कि घर में खटपट शुरू हो जाती है कि तुम काहे को बच्चे को फालतू बातें याद करवाने की कोशिश करते हो। इसके बाद बच्चा जैसे 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 बड़ा होता जाता है, मसीही पति की इच्छा होती है कि उसको प्रभु का वचन सिखाए, प्रभु के वचन से पद याद दिलाएं, रोज बच्चा बाइबल से कम एक अध्याय पढ़े, उसके बाद वो अपने जीवन में प्रार्थना करे, पत्नी सहयोग करेगी क्या? आप कहेंगे कि प्यार करती हो तो जरूर सहयोग करेगी। देखिए, ये सब ये जो है दूर के ढोल हैं, दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। विवाह जीवन में एक बार प्रवेश करने के बाद स्थिति बदल जाती है। ये आपकी गलत फहमी है कि खूब प्यार होगा तो पति जो चाहेगा पत्नी वो करेगी, ऐसा नहीं होता है। पति जो विश्वासी है वो यदि एक दिशा में जाएगा तो पत्नी जो अविश्वासी है वो दूसरी दिशा में जाएगी। आप पूछेंगे कि ब्रदर, आपने ऐसा देखा है क्या? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न मैंने बहुत देखा है, 50 परिवार देखे हैं, बल्कि 50 कहूं तो कम होगा। मैं तो बहुत जल्दी 70 साल का होने जा रहा हूं, तो इसलिए मैंने तो सैकड़ों इस तरह के उदाहरण देखे हैं जहां लड़का समर्पित विश्वासी है, जाके वो एक अविश्वासी से प्रेम करके शादी करके घर ले आया, या लड़की विश्वासिनी है और बहुत समर्पित विश्वासिनी एक लड़के से, एक गैर मसीह लड़के से प्रेम करके शादी कर ले आई, किसी को नहीं बताया। 4 दिन में सब ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद वो प्रार्थना करना चाहती है तो इसको उससे कोई लेन देन नहीं है, ये प्रार्थना करना चाहता है तो उससे कोई लेन देन नहीं है। एक बात में आपस में असहयोग चालू होता है तो वो असहयोग पर बढ़ता ही चला जाता है। इस बात को हम अच्छी तरह से जान लें। देखिए, किसी मकान में खासकर छत पे दीवार यदि क्रैक हो जाए तो आज यहाँ जितने मकान मालिक बैठे हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि मकान के छत की दीवार क्रैक हो जाए तो सबसे पहले तो एक पत्थर या ईंट उसके ऊपर रख देते हैं जिससे कि बरसात के समय पानी उसमें न उतरे।
और उसके बाद जितने जल्दी अवसर मिले उतने जल्दी सीमेंट घोल के क्रैक में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो क्रैक बंद हो जाए, नहीं तो पानी गिरेगा, धूप उसके ऊपर पड़ेगी, फिर पानी गिरेगा, धूप पड़ेगी, धीरे 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 वो क्रैक बढ़ता ही चला जाएगा और क्रमशः जो छत पे जो क्रैक चालू हुआ था कुछ दिन के बाद वो छत से नीचे आते 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 कई बार पूरी दीवार क्रैक हो जाती है, खासकर यदि नींव मजबूत नहीं है तो। इसी तरह से जब एक विश्वासी एक अविश्वासी से विवाह करता है तो शुरू के दो चार दिन तो बिल्कुल आराम से आसमान में रहते हैं, पर लगे रहते हैं दोनों में। उसके बाद जब धरती पे पैर पड़ते हैं तब पता चलता है कि तमाम बातों में दोनों में विरोध है, विरोधाभास है, और वो विरोधाभास एक क्रैक के समान धीरे 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 बढ़ता रहता है। आप पूछेंगे कि ब्रदर उस क्रैक को बंद नहीं किया जा सकता है क्या? ये एक अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है। बंद किया जा सकता है बशर्ते दोनों प्रभु के बच्चे हों। यदि पति पत्नी दोनों यदि विश्वासी हों तो उनके जीवन में यदि कोई दरार आती भी है तो उस दरार को बंद करने के 50वां तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि पुरुष एक मसीही विश्वासी अपनी पत्नी को डांट फटकारने के बाद शाम को प्रभु का वचन पढ़ने के लिए बैठता है तो प्रभु का वचन अचानक उसको याद दिलाता है, वो पहला कुरिन्थियों जब वो पढ़ता है वहां लिखा है कि एक दूसरे के साथ तुम्हारे मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो विश्वासी प्रभु के वचन से पढ़ता है कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं होनी चाहिए तो वह अचानक रियलाइज करता है कि आज मैंने खामोखा जरा सी बात थी उस पर पत्नी को डांट लगा दी, उसके बदले मैं यदि उससे बोल देता कि देखो सुनो ऐसा करने के बदले ऐसा कर दो तो डांट फटकार के बदले भी काम हो सकता था, और मैं जबरदस्ती अनावश्यक उससे नाराज हो गया वो दुखी हो गई और वो दुखी हो गई, हम दोनों के बीच में दरार आ गई। वो विश्वासी जाकर अपनी पत्नी से समझौता कर लेता है। कैसे करता है? वो पति पत्नी के बीच में 100 तरीके हैं आपस में समझौता करने के। लेकिन जब वो मसीही पति जाकर अपनी मसीही पत्नी से समझौता करता है, क्यों करता है? प्रभु के वचन से उसने पढ़ा कि आपस में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, तो इस कारण जब जाके वो समझौता करता है तो उस दिन जो दरार आई थी, जो क्रैक पड़ गया था, वो दरार भर जाती है। लेकिन एक मसीही और गैर मसीही के बीच में जब विवाह होता है तब दरार इस तरह से नहीं भर सकते। यहां इसी तरह से जब पत्नी किसी दिन पति से कड़वाहट के साथ बोलती है, बाद में जब प्रभु के वचन के सामने बैठती है तब अचानक उसको लगता है कि आज मुझे उनसे बोलना नहीं चाहिए था, वो जाकर पति के साथ समझौता कर लेती, फिर से दरार भर गई। प्रिय भाइयों और बहनों, जिसने भी मकान बनवाया है वो इस बात को जानता है कि आप कितनी भी मजबूती से मकान बनाएं, मकान में दरार आती है और मकान मालिक जो है उसकी जिम्मेदारी है वो बार बार उस दरार को भर देता है जिससे कि मकान क्रैक ना हो, दीवार क्रैक ना हो जाए। विवाहित जीवन इसी तरह से है। एक खासकर 21वीं शताब्दी में हमारा जो पारिवारिक जीवन है, हमारा विवाहित जीवन है, वो तमाम दिशाओं से खींचा जा रहा है। आप में से काफी सारे लोग टेलीविजन देखते होंगे। टेलीविजन अच्छी बात है या बुरी बात है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ टेलीविजन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन में खिंचाव या दरार डाल सकती है। इवन आप जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें आप ऐसे ही बैठे देख रहे हैं तो अचानक व्हाट्सएप के द्वारा एक संदेश आया जिसको आपने या पत्नी ने देखा तो अचानक विवाहित जीवन में दरार आ गई। मान लीजिए एक मैसेज आता है
आजकल इस तरह के उल्टे सीधे मैसेज पचासों आ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक देखा, उसमें लिखा हुआ था 21वीं शताब्दी के पति लोगों में से एक तिहाई लोग अपने पत्नी के प्रति विश्वस्त नहीं है। कोई स्त्री इसको पढ़ लेती है तो उसको लगता है अब मेरा पति कहीं इस एक तिहाई में तो नहीं है, मन में शंका आई, वो शंका धीरे 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 वो दरार बन जाती है। उसी तरह से पति खबर पड़ता है, पत्नियों में से जो लोग बहुत प्यार से पति से बात करते हैं वो जरूर मन में कुछ छुपा रहे हैं। इस तरह के उल्टे सीधे संदेश पचासों आते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो पति को लगता है कि आज तो पत्नी बहुत प्यार से बोल रही थी, जरूर उसके मन में कुछ गलत होगा मेरे बारे में। तो ये जो विवाहित जीवन में दरार क्यों आती है मैं बता रहा था। हम जो हमारे सामने जो मीडिया है, टीवी है, मोबाइल फोन है, इसके द्वारा जो संदेश आते हैं, इसमें से बहुत सारे संदेश, इसमें बहुत सारी कहानियां, इसमें बहुत सारे खबर, ये हमको खींचते हैं और वो खिंचावट हमारे विवाहित जीवन में दरार डाल देती है। लेकिन पति पत्नी दोनों ही प्रभु के विश्वासी हों तो जब वे प्रभु के वचन के सामने बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु का वचन उनके मन में कार्य करता है, प्रभु के वचन के बारे में प्रभु का ही वचन कहता है कि प्रभु का वचन दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है, चोखा मीन्स धारदार है, जो हमारे जीवन को आर पार छेदता है। मैं और आप जब प्रभु के वचन के वचन की उपस्थिति में बैठकर उसको पढ़ते हैं तो वचन हमारे दिल में कार्य करता है, वो हमको बताता है कि तुमने फलाना जो काम किया वो गलत था, तुमने पत्नी से कड़वाई से बात की, पति से कड़वाई से बात की गलत था, बच्चे से कड़वाई से बात की वो गलत था। एकदम से हम उस दरार को भरने की कोशिश करते हैं। तो अविश्वासी के साथ असमान जीवन में जुड़ने को प्रभु के वचन ने जो मना किया है उसका एक कारण यह है कि दोनों को एक साथ आगे बढ़ना है, दोनों को एक साथ प्रभु की महिमा करनी है। एक प्रभु को मानता है, एक नहीं मानता, अब आप कैसे महिमा करेंगे? दोनों को एक साथ प्रभु की सेवा करनी है। एक एक ने प्रभु से उद्धार पाया, दूसरे को उद्धार का मतलब ही नहीं है, कैसे सेवा करेंगे? इसलिए प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुटना। हाँ, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आज बहुत सारे मसीही जवान ऐसे हैं जो गैर मसीही कन्याओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम? अरे भाई, मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूं जिसमें तुम लोग रहते हो, और मैं कोई आंख बंद करके थोड़ी समाज में चलता हूं। मैं आंख भी खुला रखता हूँ, कान भी खुले रखता हूँ, और चूंकि काउंसलिंग करता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूं, तो मुझे मालूम है। आज जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उनमें से भी कई लोग इस तरह के हैं जिनका मन गलत दिशा में आकर्षित हो रहा है। ऐसी बहुत सारी मसीही कन्याएं हैं जिनका मन गैर मसीही युवकों की तरफ आकर्षित हो रहा है। खबरदार, याद रखें, ये जो है बेमेल जोड़ी है, प्रभु के वचन का उल्लंघन है। प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्टतया कहता है कि एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ असमान जुए में नहीं जुटना है, और इसके लिए प्रभु का वचन एक उदाहरण यूज करता है। आगे हम देखते हैं धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। आप पूछेंगे, ब्रदर, एक विश्वासी के लिए तो धार्मिकता शब्द सही है, एक अविश्वासी के लिए अधर्म शब्द का प्रयोग प्रभु के वचन में क्यों किया गया है? इसके पीछे कारण है। रोमियो 3:23 हमको याद दिलाता है कि सबने पाप किया है और प्रभु की महिमा से वंचित है। तो इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो चूंकि प्रभु की महिमा से वंचित है तो वो तो पाप और अधर्म में जीवन बिता रहा है। रोमियो की पत्री 6:23 हमको याद दिलाता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो एक अविश्वासी जो है वो अपने जीवन में मृत्यु की तरफ धीरे 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 अग्रसर हो रहा है। अच्छा, विश्वासी की स्थिति क्या है?
विश्वासी के बारे में रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहला पद हमको याद दिलाता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं। उस क्षण पवित्र आत्मा लेकर हमको प्रभु यीशु के शरीर से जोड़ देते हैं और प्रभु यीशु की धार्मिकता हमको पूरी तरह से आवरण कर लेती है। इसको कहते हैं विश्वास से धर्मी ठहराया जाना। तो जो जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो तो प्रभु की धार्मिकता से आवरण किया हुआ है, और यदि उसने शादी ऐसे व्यक्ति से की है जिसने उद्धार नहीं पाया है तो प्रभु की धार्मिकता उसका आवरण नहीं करती है। सबने पाप किया है वो व्यक्ति पापी है। तो यहां हो गया ना धर्म और अधर्म, क्या मेल है दोनों का। प्लस जो विश्वासी है वो अपने जीवन में शाश्वत जीवन की ओर जा रहा है, जो अविश्वासी है वो शाश्वत मृत्यु की तरफ जा रहा है। क्या मेल है शाश्वत जीवन और शाश्वत मृत्यु में क्या मेल है। इसलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है धर्म और अधर्म का क्या मेल जोल। और प्रभु का वचन आगे कहता है ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हम स्वयं जानते हैं कि ज्योति अंधकार का विरुद्ध का ऑपोजिट है, अंधकार ज्योति का ऑपोजिट है। और ज्योति और अंधकार को मिला जुला कर कोई आगे ले जाने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता है। लेकिन ज्योति और अंधकार की तुलना में एक और प्रैक्टिकल उदाहरण आजकल के समाज से मैं आपको बताना चाहता हूं। मान के चलिए कि चावल पकाया था, चावल क्या पुलाव ले लेते हैं, पुलाव पकाया था, कवर करके कहीं रख दिया, भूल गए, मतलब किचन से लगे हुए कमरे में कहीं ले जाके रख दिया था, भूल गए। 6 दिन के बाद अचानक याद आया कि अरे बाप रे, 6 दिन पहले हमने कितनी मेहनत से पुलाव बनाया था, वो घर में कोई मेहमान आया तो उस समय उठा के बगल के कमरे में रख दिया और फिर भूल गए। तो 6 दिन पुराना वो जो पुलाव है उसको वहां से लाए, बाफ दे रहा है, पत्नी उसको फेंकना चाहती है। पति कहते हैं कि देखो तुमने बड़ी मेहनत से उसको बनाया था, उसको फेंको मत, एक काम करो, जितनी मात्रा में वो पुलाव है उतनी ही मात्रा में फ्रेश पुलाव बनाओ, अपन दोनों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद खाएंगे। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं यहां ऐसा एक भी व्यक्ति है क्या जो 6 दिन पुराना सड़ा पुलाव अभी बनाए गए फ्रेश पुलाव के साथ मिक्स करके खाने को तैयार है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों, क्या मेल है दोनों में, सड़े हुए भोजन में और अच्छे भोजन में क्या मेल है। उसी तरह से अंधकार और ज्योति में क्या मेल है, धार्मिकता और अधर्म के साथ क्या मेल है। आगे प्रभु के वचन में 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 15वें पद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। हिंदी में ये जो अनुवाद हुआ है इसके कारण सब चौपट हो गया है, बलियाल शब्द का उपयोग हम कभी नहीं करते। एक्चुअली उसका अर्थ है शैतान, जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण किया है वो शैतान की संतान है। इस संसार का मालिक वो है, संसार का सरदार, सही कहा जाए तो संसार का प्रभु है, मालिक तो प्रभु यीशु है, संसार का जो इस समय संसार का नायक शैतान है। मेरे आप, मैं और आप जितने लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, हमारा नायक कौन है, प्रभु यीशु। तो एक व्यक्ति जिसका नायक प्रभु है, एक व्यक्ति जिसका नायक शैतान है, दोनों में क्या मेल है। यह है प्रभु का वचन जब कहता है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव का, मतलब है कि प्रभु यीशु में और शैतान में क्या लगाव है,
और आखिर में इसीलिए फिर से याद दिलाया गया है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आज प्रभु ने इस तरह से संदेश सुनने के लिए यह अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूं। जो हमने सुना उसका सारांश मैं एक बार और फिर से बताना चाहता हूं। प्रिय भाई और बहनों, 21वीं शताब्दी में हम एक बहुत ही बुरे युग में रह रहे हैं। ऐसा युग जिसमें इवन विश्वासियों ने अपने जीवन में दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, दुनिया के साथ मेल जोल बढ़ा लिया है। ये बहुत गलत बात है, लेकिन दुनिया के साथ मेल जोल बढ़ा लिया है, उसका फल क्या हुआ कि हम में से कई विश्वासियों के परिवार में बच्चे गैर विश्वासियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बच्चियां गैर विश्वासियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और माँ बाप बस हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, भैया तुम्हारी पसंद है तो हम क्या करें। गलती माँ बाप की है, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने बच्चों को भले और बुरे का अंतर नहीं बताया, और अब जो है बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जवान आज प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, ये एक मरीचिका है, मृग मरीचिका है, जिसके पीछे जाने की कोशिश ना करें। क्यों? इसलिए कि मरीचिका आपको जो दिखती है वो नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, मान के चलिए कि आप में से कोई किसी गैर मसीही की तरफ के प्रति आकर्षित हो गया, अब क्या करें? अरे आसान उत्तर तो बहुत आसान है। यदि मान लीजिए आप किसी चीज को छूने जा रहे हैं, अचानक आपको कोई बताता है कि अरे क्या कर रहे हो, 50,000 वोल्ट है वहां, तो आपका जवाब ये होगा क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है, 50,000 ही तो है, मैं जरा छू के देखूं। है क्या हम में से कोई ऐसा मूर्ख? हम जानते हैं 440 वोल्ट या उससे ऊपर हो, शॉक से आप बच नहीं सकते। तो 50,000 का वोल्ट, ऐसा कोई मूर्ख है क्या जो छूने जा रहा है और कोई बता रहा है कि वो 50,000 है, मैं जरा छू के देख लूं? कोई नहीं छुएगा। ये हम में से कोई भी अकलमंद व्यक्ति उसको छूने की कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह से प्रिय भाई, मेरे प्रिय युवा भाई, मेरी प्रिय युवा बहन, यदि आप किसी गैर मसीही व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो गए हो, तो आज प्रभु का वचन याद दिलाकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, भैया तुम 50,000 वोल्ट यदि कोई बोले तो छूने नहीं जाओगे, मैं तुमको बताता हूं, तुम तो शाश्वत मृत्यु की तरफ अपने को ले जा रहे हो, अपना जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुरंत उससे हट जाओ। आप कहेंगे अंकल जी मैं क्या करूं, वो करो, ये एक काम करो, अपने से किसी आत्मिक जीवन में अपने से किसी सीनियर व्यक्ति से मदद के लिए बोलो। जाके सबसे प्रचार नहीं करना है कि देखो मैं फलाने से प्रेम करता था, छोड़ने जा रहा हूं, वो कल अखबार में ही न्यूज छाप देगा। मसीही जगत में ये एक परेशानी है, अपने परिवार में या अपने मंडली में एक ऐसे व्यक्ति को, विश्वस्त व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको अच्छी मदद कर सकता है, आपको अच्छी अगुवाई दे सकता है, और जो इस बात को मन ही मन रखे, जाकर सबके सामने प्रचार न करे, उस व्यक्ति की मदद से उस गलत रिलेशन को तुरंत छोड़ दीजिए। अच्छा, हो सकता है कि आज ऐसे कुछ लोग यहां बैठे हों जिन्होंने अपने जीवन में गलती कर दी हो, एक अविश्वासी से विवाह कर लिया, वो पूछेंगे कि हम क्या करें। आपका रास्ता कुछ और कठिन है, लेकिन एक विश्वासी जीवन में गलती हो जाने के बाद यदि वो उससे प्रायश्चित करे और प्रभु से याचना करे, तो प्रभु निश्चित रूप से उस विश्वासी की मदद करेंगे। कुल मिलाकर मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु ने हमको एक पर्टिकुलर दिशा में जाने के लिए बुलाया है,
उस दिशा में जाना हमारे लिए जरूरी है। अन्य दिशाओं में आप जाएंगे, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, जीवन में कभी आप खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन में यदि खुशी का अनुभव करना है, उस दिशा में जाइए जिस दिशा में जाने के लिए जो दिशा प्रभु ने आपके लिए बनाई है। आज इस तरह से प्रभु के वचन के समक्ष बैठकर प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए प्रभु ने जो मदद की उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। बिलीवर्स असेंबली का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह से प्रभु का वचन सुनाने के लिए निमंत्रित किया और इस तरह से अवसर दिया। प्रभु का वचन जो सुनाया गया है, प्रभु अपने वचन पर अनुग्रह दे, प्रभु ने मदद की, तो आने वाले दिनों में भी जब जब हमको इस तरह से अवसर मिलेगा तब हम व्यावहारिक मसीही जीवन से संबंधित बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।